कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू के अगले वीडियो में आज जो टॉपिक है दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से है। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रश्न अलग अलग तरीके के पूछे जाते हैं और इसमें जो फेवरेट व्यापम का फेवरेट पोर्शन है, ये ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स या कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक प्रश्न ये आता है। दूसरे प्रकार के प्रश्नों में ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कौन सा सिंगल यूजर है, कौन सा मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट को सपोर्ट करता है, कौन 16 बिट को सपोर्ट करता है, तो अलग अलग इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है जो व्यापम में पूछे जा चुके हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। पहला, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, व्यापम 2018 का प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक का को कहते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स कहने का मतलब इसके जो सोर्स कोड हैं वो निःशुल्क मात्रा में सभी को उपलब्ध कराए जाते हैं और यूज़र इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें फेरबदल कर सकता है, इनको अपडेट कर सकता है। कमर्शियल या क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको एक्सेस करने के लिए पहले आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेस करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत देखिए, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है आपका विंडोज़ के जितने भी वर्जन हैं, विंडोज़ के एमएस डॉस, सोलारिस, ठीक है। इसके अलावा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्लोज सोर्स है, ठीक। इसके अलावा मैकिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकओएस, ये सब क्लोज सोर्स हैं दोस्तों। इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो पहले इनके सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को परचेस करना पड़ता है। हालांकि हम इसमें जो है डॉस को चलाते हैं, विंडोज़ को चलाते हैं, ये सब पायरेटेड होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ओपन सोर्स में उबंटू आता है। कौन सा आता है? उबंटू। उबंटू के साथ ही आपका जबंटू और कुबंटू, ये दोनों भी, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा देखिए फोडेरा, तो देखिए लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स होने के कारण ये ओपन उपलब्ध रहता है सोर्स कोड, तो इसी लाइनेक्स से अब देखिए फोडेरा एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, फोडेरा, ये भी फ्री है। मेन ड्राइवा, लाइनेक्स मेन ड्राइवा, ई लाइव, रेड हेट, ठीक है। ये सब भी दोस्तों लाइनेक्स के चाइल्ड वर्जन हैं, ठीक है, और ये सब भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा देखिए सोलस, स्लेकवेयर, ठीक है, सुस, ठीक। इसके अलावा फ्री बीएसडी, फ्री डॉस, ओपन सोलारिस, जहाँ भी फ्री लिखा रहेगा ये सभी भी क्या हैं, ओपन सोर्स हैं। यही अगर सिर्फ सोलारिस लिखा रहेगा ये क्लोज सोर्स है, सिर्फ एमएस डॉस लिखा रहेगा ये क्लोज सोर्स है, जबकि फ्री डॉस लिखा रहेगा ये क्या है, ओपन सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक आपका सेंट ओएस, ये भी आपका लाइनेक्स का है चाइल्ड वर्जन, तो ये सभी क्या हैं आपके दोस्तों, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब इसको आपको अपने तरीके से याद रखना है,
यहाँ से जो है एक प्रश्न व्यापम का फेवरेट पोर्शन है, यहाँ से कई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ओपन सोर्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं इनको आपको याद में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फिनिश प्रोग्रामर लाइनस टोरवाल्ड्स, ठीक है, तो आपको याद रखना है द्वारा खाली स्थान में बनाया गया था, CSPSCL का प्रश्न है 2019 का। तो देखिए लाइनक्स जो है ये 1991 में बनाया गया था, 1991 में। अब इससे संबंधित बातें क्या याद रखनी है, पहली बार तो लाइनस टोरवाल्ड्स ये इसके फाउंडर हैं, इसको याद रखना है। कब इसका आविष्कार हुआ, 1991 में, इसे याद रखना है। तीसरा, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें पेंगुइन का चित्र बना रहता है। देखिए जनरल कंप्यूटर की चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये पूछ सकता है कौन से जानवर या पक्षी जो भी है जीव जंतु का चिन्ह बना रहता है, तो याद रखिएगा पेंगुइन का चिन्ह बना रहता है, ठीक है। और मान लीजिए लाइनक्स का फुल फॉर्म आएगा, ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा लवेबल, ठीक है, इंटरेक्ट नॉट यूजिंग XP, ये लाइनक्स का फुल फॉर्म है। L का लवेबल, I का इंटरेक्ट, N का नॉट, U का यूजिंग, X का XP, ठीक है, ये लाइनक्स का फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसी से बहुत सारे चाइल्ड वर्जन भी बनाए गए हैं, और लाइनक्स जैसा कि मैंने बताया एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और अधिकतर इसका प्रयोग एज अ सर्वर किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ लाइनक्स के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी आपको याद में रखना है, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है। तो किसी भी कंप्यूटर को अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले कंप्यूटर रहे या मोबाइल रहे, उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है, तो आप उस हार्डवेयर को एक्सेस तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल होगा। तो देखिए यहाँ पर MS-DOS कहें या यूनिक्स कहें या विंडोज़ कहें, इन सब के बगैर कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में कैसे कौन सा कार्य नहीं है, हॉस्टल वार्डन 2014 का प्रश्न है। पहला है इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रण करना रखना, ठीक है। तो जितने भी IO डिवाइस हैं, किस इनपुट डिवाइस से सिग्नल को एक्सेप्ट करना है, इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करना है, और किस आउटपुट डिवाइस से आउटपुट को प्रोड्यूस करना है, इन सब को कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जैसे हम कंट्रोल P दबाए, कंट्रोल P प्रेस किए, तो अब हमें आउटपुट कहाँ से प्राप्त करना है, तो हमें प्रिंटर से प्राप्त करना है, ओके। अगर हम प्रिंट PU देखते हैं तो वहाँ पर आउटपुट कहाँ पर दिखना है, तो मॉनिटर में दिखना है। तो इस प्रकार से जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं इनको कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर को चुनना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, CPU, टाइम आदि को आवंटित करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, ये ट्रांसलेटर का काम होता है, ठीक है। ये किसका काम होता है, ट्रांसलेटर का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, ये कार्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। देखिए अब मैंने जैसा कि बताया था कि व्यापम के प्रश्न रिपीटेड होते हैं, और देखिए 14 में पूछा गया हॉस्टल वार्डन में, और
फिर 16 में पूछा गया, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, इसको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। पहला मुख्य फंक्शन है मेमोरी को मैनेज करना, ठीक है, ये सही है। कंप्यूटर में जो मेमोरी है, किस किस इन्फॉर्मेशन को रैम में रखना है, किसको रोम में रखना है, किसको हार्ड डिस्क में रखना है, पेन ड्राइव से किस प्रकार से जो भी आपके डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको लेना है, ये सब मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है, किस प्रोसेस को अभी एक्टिव रखना है, किस प्रोसेस को वेटिंग मोड में डालना है, ये सब प्रोसेस को मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जितने भी डिस्क हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, इनको भी मेंटेन मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का सुपरवाइज़र, याद रखिएगा, सुपरवाइज़र कहा जाता है। एक बार यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि इनमें से किसे कंप्यूटर का सुपरवाइज़र कहा जाता है, तो याद रखिएगा कंप्यूटर का सुपरवाइज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। शुरू में जब यह प्रश्न आया था तो आयोग के द्वारा सीयू को आंसर लिया गया था, जो कि गलत था, बाद में आयोग उसको सुधारा, ठीक है। तो इसको सुधार कर ही पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का सुपरवाइज़र कहते हैं, जैसे कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहते हैं, ठीक, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का सुपरवाइज़र कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण नहीं है? तो विंडोज 7, ठीक है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग एडिशन हैं, तो इसमें देखिए एक तो आपका होम बेसिक एक वर्जन है, होम स्टार्टर एक है, आपका होम प्रीमियम एक है, विंडोज 7 इंटरप्राइज एडिशन एक है आपका, ठीक है, विंडोज 7 प्रोफेशनल एक है, विंडोज 7 अल्टीमेट। कहने का मतलब कुछ नए फंक्शन को जोड़ने के बाद, जैसे मोबाइल में नया फंक्शन जोड़ने के बाद उसका नया एक मॉडल आ जाता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ नए फंक्शन फीचर्स को जोड़ने के बाद उसका नया एडिशन आ जाता है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अलग अलग क्या हैं, इसके एडिशन हैं। तो देखिए अल्टीमेट है, प्रोफेशनल है, होम प्रीमियम है, मैक्सिमम ये जो है आपका इसका, ठीक है, संस्करण एडिशन नहीं। तो याद रखिएगा आंसर होगा सी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूज़र को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है? व्यापम 2021 का प्रश्न है। तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट होने के लिए हमें इंटरफेस की आवश्यकता होती है। इंटरफेस के माध्यम से ही हम किसी भी हार्डवेयर से जुड़ते हैं, और यहाँ पर दो प्रकार के इंटरफेस होते हैं, एक होता है CUI और एक होता है GUI, ठीक है। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। और GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब CUI में क्या होगा दोस्तों, इससे इंटरेक्ट होने के लिए हमें कैरेक्टर को टाइप करना पड़ेगा। कैरेक्टर कहने का मतलब हमें कमांड के थ्रू इसको एक्सेस करना पड़ता है, इसीलिए इसे कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। जैसे MS-DOS, जैसे है क्या MS-DOS, ये जो है आपका CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और दूसरा जो इंटरफेस है इसे कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें आपको इंटरेक्ट होने के लिए
ग्राफिकली इंटरेक्ट होते हैं। जैसे आप कंप्यूटर को चालू करेंगे तो यहाँ पर माई कंप्यूटर का आइकॉन बना रहता है, माई डॉक्यूमेंट का बना रहता है, रिसाइकल बिन का बना रहता है। माई कंप्यूटर को क्लिक करेंगे तो इसमें फिर अलग अलग जो है ड्राइव यहाँ पर दिखाया जाता है। तो ऐसे ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको ग्राफिकली जुड़ा जाता है उसे GUI बेस्ड कहते हैं, और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कमांड के थ्रू जुड़ा जाता है उसको CUI बेस्ड कहते हैं। तो दोनों इंटरेक्ट करने के काम आते हैं। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, व्यापम 2017 का प्रश्न। देखिए पहला है iOS, iOS मतलब आईफोन, आईफोन के लिए एप्पल का जो आईफोन आता है उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एप्पल मोबाइल के लिए, एप्पल मोबाइल का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्लैकबेरी, जो ब्लैकबेरी मोबाइल आता था शुरू में, ठीक है, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। नोकिया, नोकिया एक समय बहुत प्रचलन में था, ठीक है, लेकिन इसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इस कारण ठीक है इसका मार्केट लॉस हुआ और दूसरे कंपनियों ने इसका फ़ायदा उठाया और इसी को रिप्लेस करके फिर लाया गया था आपका एंड्रॉयड। तो ये तीनों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत को अलग करें, व्यापम 2017 का प्रश्न। पहला है यूनिक्स, दूसरा है जेनिक्स, तीसरा है एमएस डॉस, चौथा है विंडो। तो देखिए यूनिक्स कहें, जेनिक्स कहें, विंडोज कहें, ये मल्टी यूज़र को सपोर्ट करते हैं। इसको सपोर्ट करते हैं मल्टी यूज़र को। मल्टी यूज़र कहने का मतलब एक समय में एक से अधिक यूज़र इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि एमएस डॉस एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। तो असंगत कौन सा है आपका, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम प्रश्न है इसी प्रकार का। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है दोस्तों, एमएस डॉस, एक समय में एक ही यूज़र इसको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चला पाता है, दूसरा यूजर इसको एक्सेस नहीं कर पाता, बाकी सब जो है मल्टी यूजर को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, सबसे जनप्रिय 16-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहला CPM, देखिए व्यापम 2016 का प्रश्न है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम बिट को सपोर्ट करता है और 16-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है दोस्तों एमएस डॉस। कौन सा आता है, एमएस डॉस, तो इसका आंसर होगा सी, एमएस डॉस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो पहला है डॉस, दूसरा है यूनिक्स, तीसरा है एडा, चौथा है विंडोज 98। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यूनिक्स, ठीक, यूनिक्स जो है 69 में असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया था, फिर 1973 में इसे पुनः जो है सी लैंग्वेज में लिखा गया था, और ये जो है ठीक है मल्टी टास्किंग मल्टी यूज़र मल्टी टाइम शेयरिंग सब को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। एक समय में एक से अधिक टास्क इसमें कंप्लीट किए जा सकते हैं, एक से अधिक यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए यूनिक्स का प्रयोग देखिए दोस्तों सर्वर के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला, निम्न लिखित में से किस परिचालन में सही तरीके से मल्टीटास्किंग क्रियान्वित नहीं किया जाता, ठीक है। पहला विंडो 98, दूसरा विंडो NP, तीसरा विंडो XP, चौथा विंडोज डॉस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा विंडोज डॉस में, डॉस में सिंगल यूजर ठीक है सिंगल टास्किंग को सपोर्ट करता है, मल्टीटास्किंग को नहीं करता, ठीक है। चलिए अगला, बोस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर खालिस्तान के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो व्यापम 2017 का प्रश्न है। तो देखिए पहली बात तो याद रखिएगा, लाइनेक्स
को ही यूज़ करके जो है सी डेक कंपनी के द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सी डेक का फुल फॉर्म है, इसी के द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाया गया था परम सीरीज़ का, और इसी के द्वारा देखिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जिसका नाम था बोश, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, सी डेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म आता है तो याद रखिएगा भारत ठीक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न, माई कंप्यूटर खालिस्तान से शुरू हुआ, व्यापम 2018 का प्रश्न। तो शुरू के कंप्यूटर में चूँकि CUI बेस्ड था तो वहाँ पर ठीक है आइकन्स वगैरह का प्रयोग नहीं होता था। विंडो 95 से याद रखिएगा माई कंप्यूटर आप डेस्कटॉप में जब भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक ठीक आइकन बना रहता है कंप्यूटर का, इसी को कहा जाता है माई कंप्यूटर। और इसी माई कंप्यूटर को क्लिक करने पर फिर आपके सामने एक नया विंडो आता है, और इस विंडो में फिर अलग अलग जो है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव, ये स्वैप होता है। और ये सभी ड्राइव क्या है दोस्तों, ये हार्ड डिस्क को डिवाइड किया जाता है अलग अलग ड्राइव में। जैसे मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क 400 GB का है तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसको 2 ड्राइव में, 3 ड्राइव में, 4 ड्राइव में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4 ड्राइव बनाया है, अब इसकी कैपेसिटी आप अपने हिसाब से जो है ठीक निर्धारित कर सकते हैं, सी ड्राइव को कितना देना है। तो ये सब ओपन किससे होता है, इसी माई कंप्यूटर से, ठीक है याद रखिएगा। इसकी शुरुआत हुई है विंडो 95 से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ वर्जन 64-बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, हॉस्टल वार्डन 2016 का प्रश्न। तो 64-बिट को सपोर्ट करने वाला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपका विंडोज़ XP। अब XP का फुल फॉर्म क्या होता है ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तैयार रहिए इसके लिए, ठीक है। तो आप बताइएगा XP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए इससे आपका क्वेश्चन तैयार भी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, हॉस्टल वार्डन 2016 का प्रश्न। देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, लाइनेक्स है, एप्पल नहीं है। एप्पल क्या है दोस्तों, एक कंपनी का नाम है। क्या है नाम है आपका, कंपनी का नाम है, इसी कंपनी के द्वारा एप्पल मोबाइल ठीक iOS ठीक मोबाइल बनाया जाता है, कंप्यूटर बनाया जाता है, ठीक। तो एप्पल कंपनी का नाम है। अगला है, निम्न में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं होता, व्यापम 2021 का प्रश्न। तो देखिए जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो इस पोर्शन में एक ठीक है एक स्टार्ट बटन रहता है। इस स्टार्ट बटन ठीक है को क्लिक करने पर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शनों की सूची यहाँ पर दिखाई देती है, और जिस ऑप्शन को आपको ओपन करना है उसको क्लिक करके आप ठीक है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो स्टार्ट बटन है ये बीच में जो है बंद कर दिया गया था, जब टैब मोबाइल आया तो टैब मोबाइल में इस बटन को बंद कर दिया गया था। तो ये कब बंद हुआ था, विंडोज़ 8 से बंद हुआ था, ठीक है। तो विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता, हालांकि ज़्यादातर जो यूज़र हैं इस स्टार्ट बटन से ही बहुत सारे फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, इसीलिए बाद में जो है 8.1 में ठीक है 8.1 में पुनः स्टार्ट बटन को ठीक है देना चालू कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद में रखिएगा, दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा विंडोज़ एप्लीकेशन आपको टेक्स्ट फाइल को एडिट करने की सुविधा देता है, AG 2021 का प्रश्न। तो देखिए टेक्स्ट फाइल से संबंधित जो है हम जो यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है दोस्तों, नोटपैड होता है, ठीक है। तो नोटपैड में ही हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक अपने आवश्यकता के अनुसार उसे बदल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा C, नोटपैड, ठीक है। चलिए लास्ट है,
स्क्रीन को साफ करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है, व्यापम 2018 का प्रश्न। तो देखिए एमएस डॉस में, डॉस सीयूआई बेस्ड है, तो सबसे पहले आपको इसको स्टार्ट करने के लिए, देखिए यहाँ पर स्टार्ट मेनू रहता है, स्टार्ट मेनू में जब आप जाएंगे तो एक जो है रन कमांड होता है, इसी रन कमांड में जब आप सीएमडी टाइप करेंगे तो डॉस प्रॉम्प्ट ओपन होता है। डॉस प्रॉम्प्ट के अंदर देखिए सी, ठीक है, कॉलन स्लेस इस प्रकार से, इसको कहते हैं सी प्रॉम्प्ट, सी प्रॉम्प्ट कहते हैं। क्योंकि एमएस डॉस पूरी तरीके से कमांड पर आधारित है, तो जो भी आपको काम करना है ये कमांड के थ्रू होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर सीडी कमांड होता है, सीडी डॉट डॉट कमांड होता है, ठीक है, आरडी कमांड होता है, एमडी कमांड होता है, अलग अलग कमांड होते हैं। अब कमांड लिखते लिखते अगर आपका स्क्रीन पूरा कमांड से भर गया, तो फिर से अगर आपको कमांड देना है तो यहाँ पर पहले स्क्रीन को साफ करना पड़ता है, और इसी के लिए एक जो है कमांड यूज़ किया था, इसको कहते हैं सी एल एस, क्लियर स्क्रीन, याद रखिएगा। ये भी व्यापम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका प्रश्न है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 20 प्रश्न अलग अलग, ठीक, इस तरह के पूछे गए थे और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है, इसको एक बार देखिएगा, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगली वीडियो में फिर से हाजिर हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।